हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में हमारे वेब स्क्रैपिंग का जो टास्क 8 है उसके सल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर सरल पे अगर टास्क 8 अगर आप खोलोगे तो यहाँ पे आपको कैच मेमोरी के बारे में या फिर कैचिंग क्या होती है इसके रिलेटेड एक वीडियो यहाँ पे दिया है, तो वो आप देख लेना। और आप ये भी समझ लेना कि कोड को रिफैक्टर कैसे करते हैं या फिर रिफैक्टरिंग कोड क्या होता है, ठीक है। सो हम सीधे टास्क पे आते हैं। आप ये जितना भी एक्स्ट्रा जो यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन है, वो आप पढ़ लेना कि कैसे ब्यूटीफुल सूप का यूज़ करके हम मतलब रिक्वेस्ट भेजते हैं या फिर क्यों मतलब कैच मेमोरी की ज़रूरत है, ठीक है। सो मैं इन शॉर्ट में बताता हूँ कि अगर हम जब भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हर रिक्वेस्ट को भेजने के बाद उस पेज को खुलने में और डेटा स्क्रैप करने में कुछ समय लगता है। तो हम अगर हर रिक्वेस्ट के आगे इतना दो 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 सेकेंड 30 सेकेंड का जो ये समय लगता है, तो हम क्या करेंगे उस समय को बचाने के लिए, जो भी हमारा आउटपुट हम जब फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करेंगे जो भी हमारा आउटपुट आएगा हम उसे कैच मेमोरी में सेव कर लेंगे। अगर वो डेटा कैच मेमोरी में सेव होगा तो रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। हम जब दूसरी बार रिक्वेस्ट करेंगे तो पहले क्या करेगा कि उससे कैच मेमोरी में चेक करेगा, अगर जो आउटपुट है वो कैच मेमोरी में पहले से ही अवेलेबल है तो वो रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। तो उससे क्या होगा, हमारे लोकल ड्राइव में वो डेटा सेव भी रहेगा और उससे हम तुरंत जो है आउटपुट हम ला सकते हैं विद इन अ सेकेंड्स, ठीक है। तो हमें इतने सेकंड्स रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम 250 मूवीज़ पे जब रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हर मूवी के पीछे दो दो सेकंड जाता है। तो ऐसे 250 करेंगे तो 500 सेकंड हमारा यूँ ही चले जाता है। तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे कि हम 3 सेकंड में जब हम कैच मेमोरी बनाएंगे, 2-3 सेकंड में ही हमारा डेटा हमारे कैच मेमोरी से हमें आउटपुट में मिलेगा। तो ये फ़ायदा है कैच मेमोरी का। सो अब हम टास्क पढ़ते हैं कि हमें इस टास्क में करना क्या है। सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि डेटा पास करके डिक्शनरी में रिटर्न करने से पहले उस डिक्शनरी को जेसन में कन्वर्ट करके एक फाइल में स्टोर करना है। सो बेसिकली जब हम डेटा पास कर रहे हैं तो उसे डिक्शनरी में रिटर्न करने से पहले हमें क्या करना है, उसे एक जेसन में कन्वर्ट करना है। जो हमारा टास्क 4 का जो आउटपुट आ रहा है स्क्रैप मूवी डिटेल्स से, ठीक है, ये स्क्रैप मूवी डिटेल्स फंक्शन को कॉल करते ही जो हमें आउटपुट मिल रहा है ना, सो उस आउटपुट को जैसे हम रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है, एक डिक्शनरी हमारी वहाँ पे रिटर्न हो रही है, पर उस डिक्शनरी को रिटर्न होने से पहले हमें क्या करना है, उसे एक जेसन में कन्वर्ट कर लेना है। अगर आप URL को ध्यान से देखोगे तो मूवी के URL उस मूवी के IMDB के हिसाब से एक ID होती है। जैसे ये आनंद का URL है, इसमें ID देखोगे, अगर ये टाइटल जो है टाइटल के आगे /, फिर TT, ये जो ID है, ठीक है, वो उस ID के हिसाब से हमें क्या करना है, एक JSON फाइल बनानी है। हमने हमेशा URL से ये ID निकालनी है और इसके नाम से एक फाइल बनानी है जिसमें स्क्रैप मूवी डिटेल्स की फाइल फाइनल डिक्शनरी को JSON में कन्वर्ट करके सेव करेंगे। आनंद के कैच फाइल का नाम ये होगा TT00666763.json होगा, ठीक है। तो इस नाम से हमें क्या करनी है, एक फाइल बनानी है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये कोड हम पहले सिर्फ आनंद जो मूवी है हमारी उसके लिए फाइल बना के देखेंगे, फिर सेम जो है हम गेट मूवी डिटेल्स का जो हमारा फंक्शन है तो उसको चला के हम 250 मूवी के लिए ये JSON फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, सिर्फ आनंद के लिए JSON फाइल बनाने के लिए हम कोड लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सेकेंड टास्क में जो है आगे कि आपको फंक्शन का फ्लो ऐसा चेंज करना है कि वो पहले देखे कि क्या हमारा कैच में ये मूवी एग्जिस्ट करती है। अगर करती है तो कैच से डिटेल ला के देनी है, नहीं है तो उस मूवी की डिटेल्स IMDB से निकालनी है। सो बेसिकली जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर वो डेटा अगर हमारे कैच मेमोरी में सेव है तो वो कैच मेमोरी से लेगा, अगर सेव नहीं है तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा उस पेज पे और वहाँ से वो डेटा निकाल लेगा। सो अब हम हमारे कोड को देखते हैं कि हमने अभी आगे करना क्या है। तो जैसे मैंने इसका कोड पहले से लिख रखा है, अगर आप देखो तो ये टास्क 8 हमने करनी है।
तो ये हमारा टास्क फोर का जो कोड है, ठीक है, स्क्रैप मूवी डिटेल्स नाम का जो फंक्शन है उसमें मैंने थोड़ा सा मतलब अपडेट किया है कोड को। वो अपडेट ये है कि मैंने सबसे पहले इस कोड में क्या किया है, जहाँ से हमारी ये मूवी URL आ रही है ना, तो मूवी URL आते ही मैंने क्या किया है, उस मूवी URL के 27 इंडेक्स से लेके आगे तक जो है लूप चलाया है फॉर ID इन मूवी URL। अगर आप मूवी URL देखोगे तो जैसे मैं आपको अगर दिखाता हूँ मूवी URL में क्या आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको कमेंट कर लेता हूँ इस पूरे कोड को, फिर हम एक एक स्टेप देखेंगे कि हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है। ठीक है, तो मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए कि इस URL में क्या मिल रहा है हमें मूवी URL में। तो ये कि URL है हमारी, अगर आप भी इसे प्रिंट करके या फिर रिटर्न करके देखोगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ तो शायद थोड़ा सा टॉप मूवीज इज़ नॉट डिफाइंड, सो हाँ सॉरी, मुझे यहाँ पे पहले पहले फंक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारा सबसे पहला टास्क वन का फंक्शन था, वहाँ से हम URL निकालेंगे बेसिकली। तो मैं उसको यहाँ पे पहले निकाल के हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया है, इसको थोड़ा कमेंट कर लेंगे हम। ये मेरे टास्क वन का फंक्शन है जरा स्क्रैप टॉप लिस्ट नाम का। ठीक है, ठीक है, ये स्क्रैप टॉप लिस्ट नाम का जो मेरा फंक्शन है उससे जो आउटपुट आएगा उसको हम इस वाले फंक्शन में यूज़ करेंगे, जहाँ से मुझे हर एक मूवी की URL मिलेगी। ठीक है, तो अभी मैं रन करता हूँ, अभी भी कुछ एरर है कि नो मॉड्यूल कास्ट स्क्रैपर, कहाँ पे एरर है, मैं कुछ एरर्स को फाइंड आउट करके फिर मिलते हैं हम, तब तक पॉज कर लेंगे। हाँ, सो बेसिकली हमने सारे एरर्स फाइंड कर लिए, तो अगर मैं अभी इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ये मेरा पहला फंक्शन है स्क्रैप टॉप लिस्ट, तो उसका यूज़ करके मैंने इसमें क्या किया है, अगर आप नीचे देखोगे कि टॉप मूवीज़ के जो जीरो इंडेक्स है उसकी URL को मैंने यहाँ पे निकाला है, मतलब आनंद मूवी के URL को, और उस URL को URL वन नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया और उसको एज अ आर्ग्यूमेंट इसमें मैं पास कर रहा हूँ स्क्रैप मूवी डिटेल्स में, और मैंने आखिर में उसे प्रिंट करवाया। ठीक है, सो अब जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो आपको आउटपुट में ये मिल रहा है। इसमें देखिए क्या है, ये एक URL है जो मैंने बताया था, जो ये यहाँ से URL आ रहा है ना, तो इसमें अगर आप ID देखोगे, ये देखो यहाँ पे ID है, तो अगर आप यहाँ से जीरो इंडेक्स से लेके अगर यहाँ तक गिनोगे तो इसकी जो यहाँ से जो है 26 होगी, तो हमें 27 से लेके आगे वाले पूरा ये जो स्ट्रिंग है एक स्ट्रिंग के फॉर्म में ही है हम देखेंगे तो ये URL। ठीक है, तो हम यहाँ से 27 से लेके आगे ये लूप चलाएंगे, इसलिए मैंने क्या किया था यहाँ पे कि अगर आप इसको देखो, पहले मैं इसे अनकमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि टास्क 8 में एक मूवी ID नाम का एक वेरिएबल लिया है, ठीक है, जिसमें हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली है और उसके बाद मूवी URL के 27 इंडेक्स से ले आगे लूप चलाया है, जहाँ से हमें वो ID मिलेगी। इफ़ फॉरवर्ड स्लैश नॉट इन ID, अगर फॉरवर्ड स्लैश ID में नहीं होगा तो क्या होगा कि ये ID प्लस वन हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, ID हर बार प्लस हो जाएगी, जैसे एक बार T आएगा फिर T आएगा, ऐसे प्लस प्लस होती जाएगी, और जैसे ही फॉरवर्ड स्लैश मिलता है ये ब्रेक हो जाएगी, फिर हम फाइल नेम में उसको स्टोर कर लेंगे मूवी ID प्लस .json, क्योंकि ID.json नाम की हमें एक फाइल बनानी है। तो अगर आप देखोगे इसमें तो जैसे ही ये फॉरवर्ड स्लैश आगे मिलेगा उसे तो वो लूप ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा।
सो अगर हम फाइल नेम देखेंगे तो हमें आउटपुट में वो दिखेगा, फाइल का नाम जो भी आईडी है उसके साथ डॉट जेसन। ठीक है, फिर से हम इसे कमेंट करके देख लेते हैं कि क्या मिल रहा है हमें आउटपुट में। ठीक है, मैं अभी इसे रिटर्न करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसे रन कर रहा हूँ तो अब अगर आप आउटपुट में देखोगे थोड़ा टाइम लग रहा है आउटपुट आने में। ठीक है, तो जैसे आउटपुट आता है तब तक हम पॉज कर लेते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा ये आउटपुट आ गया है कि डबल टी जेसन डॉट जेसन नाम से हमने एक फाइल नेम नाम के इस वेरिएबल में ये पूरी एक स्ट्रिंग जो है वो स्टोर कर लिया। अगर आप इधर वेब स्क्रैपिंग का जो टास्क है हमें उस पर भी देखोगे तो हमें वही उन्होंने कहा है कि ये जो है डॉट जेसन नाम से एक फ़ाइल बनानी है, आनंद की कैच का फाइल नाम ये होगा फाइल का नाम। ठीक है, तो हमने एक स्ट्रिंग तो मतलब निकाल ली। ठीक है, मतलब एक जैसे हमें उस फाइल का नेम चाहिए था उसके हिसाब से हमने वो स्ट्रिंग निकाल ली। अब हमें आगे वाला टास्क ये है हमारा कि 2 मिनट इसे मैं अनकमेंट कर लेता हूँ। हाँ, अब हम आगे क्या करना है कि जैसे ही यहाँ पे अगर आप देखो कि लास्ट में जो डिक्शनरी में वैल्यूज जा रही है असाइन हो रही है तो हर की को, तो लास्ट में हम लोग यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं, तो उससे पहले क्या करना होगा, हमें एक ऐसी फ़ाइल बनानी है, मतलब एक ऐसी फ़ाइल राइट करनी जिसमें ये सारा डेटा स्टोर हो जाए और वो भी एक जेसन के फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने किया फाइल वन इक्वल्स टू ओपन, ठीक है, फिर डेटा नाम के फोल्डर में उसके अंदर एक दूसरा फोल्डर है मूवी डिटेल्स, उसके उसके अंदर मैंने क्या किया है फाइल फाइल नेम को जो हमारे फाइल नेम था ये, ठीक है, उस पर राइट कर दिया है। तो राइट करते ही क्या मैंने रॉ नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें जेसन डॉट डम किया, जो भी यहाँ से डिक्शनरी आ रही है मूवी डिटेल्स डिक की, ठीक है, उस डिक्शनरी को मैंने डम किया ताकि वो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अगर आप रॉ का टाइप देखोगे तो आपको एक स्ट्रिंग में मिलेगा। ठीक है, सो उसके बाद हमने क्या है फाइल वन डॉट राइट किया है रॉ पर। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे फाइल वन डॉट जो हमने किया है यहाँ पे डॉट राइट रॉ, सो यहाँ से हमें क्या हो रहा है जो हमने स्ट्रिंग में जो कन्वर्ट कर लिया उसे वो राइट कर रहा है जेसन की फाइल में, क्योंकि हमारे फाइल का जो नेम है ये आई डी डॉट जेसन है, यानी वो जेसन के फॉर्म में वो उस जो भी डेटा आ रहा है उसे वो स्टोर कर रहा है। तो हम वन बाय वन लाइन चेक करते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिल रहा है। तो अगर हम रॉ का टाइप चेक करेंगे, ठीक है, अगर प्रिंट करते हैं रॉ के टाइप को तो आपको एक स्ट्रिंग मिलेगा। ठीक है, टाइप रॉ, ठीक है, और जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो आपको आउटपुट में जो है ये किसका टाइप जो है रॉ का स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग होते ही वो फाइल में राइट हो जा रहा है, फिर हमने उसे क्लोज कर दिया। 2 मिनट, कहीं पे एरर है कि मैं तो ये एरर फाइंड करके आपको मिलता हूँ। हाँ, सो जैसे मैं इसके टाइप रॉ टाइप को जो मैं यहाँ पे रिटर्न करवा रहा हूँ, तो जैसे हम रिटर्न कर रहे हैं तो उसकी क्लास जो है स्ट्रिंग आ जा रही है। ठीक है, सो बेसिकली हमने देख लिया कि जो है रॉ की जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, मतलब जेसन से हमने डिक्शनरी को कन्वर्ट कर लिया जेसन की मदद से एक स्ट्रिंग में। तब उस स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे फाइल डॉट वन जो हमारी फाइल वन है, जो हमारी जो आईडी मिल रही थी आईडी के नाम से हमने जो जेसन फाइल बनाई थी
उसमें हमें उसे राइट करवा देंगे, ठीक है। तो जो राइट करने के बाद हमने क्या किया, उस फाइल को क्लोज कर लिया है ताकि वो राइट होने के बाद वो अच्छे से सेव हो जाए वो डेटा। और लास्ट में हमने इस मूवी डिटेल्स डिक को जो है रिटर्न करवा लिया। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे कहा था कि रिटर्न करने से पहले हमें क्या करना है कि देखो, डेटा पास करके डिक्शनरी में रिटर्न करने से पहले डिक्शनरी को जेसन में कन्वर्ट करके एक फाइल में स्टोर करना है, जो बेसिकली हमने यहाँ पे कर दिया। अगर हम इस कोड को रन करें तो हमें आउटपुट में एक डिक्शनरी मिल जाएगी, ठीक है। और जैसे ही आउटपुट में डिक्शनरी आएगी तो हमारे जो एक फोल्डर है डेटा नाम का और उसमें मूवीज़ नाम का जो मूवीज़ जिस डिटेल नाम का फोल्डर है, उस फोल्डर में ये पूरा डेटा एक स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे होम जो होम डायरेक्टरी है उसके अंदर एक डेटा नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर होम मूवीज़ डिटेल्स के अंदर ये देखो कोड के आईडी के हिसाब से डॉट जेसन ये फाइल जो अपने आप यहाँ पे बन गई है, ठीक है। सो ये एक स्ट्रिंग के फॉर्म में है इसलिए एक ही लाइन में पूरी जो है डिक्शनरी आ रही है। सो बेसिकली हमने ये टास्क आधा यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। अब आगे जो है, ठीक है, आगे हमने सेकंड वाले इसमें इन्होंने ये कहा है कि आपको फंक्शन का फ्लो ऐसा चेंज करना है कि वो पहले देखे कि क्या हमारा कैच में मतलब कैच मेमोरी में डेटा सेव है, ठीक है। तो एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो कैच मेमोरी से वो डिटेल्स निकालेगा, अगर नहीं करता है तो रिक्वेस्ट से निकाल लेगा, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि क्या वो कैच मेमोरी से निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा। तो उसके लिए भी हमें थोड़ा कोड लिखना होगा। अगर हम इसके इस फंक्शन के सबसे ऊपर जाए तो हमने यहाँ से फाइल का नेम निकाला था, तो हम उसके नीचे ये जो कोड है मैंने यहाँ पे लिखा है वो कोड हम लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा था कि टेक्स्ट इक्वल्स टू नन, कि टेक्स्ट नाम का वेरिएबल लिया जिसका टाइप है नन। फिर उसके आगे मैंने ओएस मॉड्यूल का यहाँ पे यूज़ किया है इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे ओएस को इम्पोर्ट करवाया। अगर आप ओएस के बारे में पढ़ोगे तो ओएस मॉड्यूल का यूज़ करके हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे ओएस का यूज़ करके हम एक डायरेक्टरी बना सकते हैं या फिर किसी फाइल को बना सकते हैं, या फिर ओएस मॉड्यूल का यूज़ करके हम कोई एक पाथ एग्जिस्ट है कि नहीं है वो भी चेक कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है यहाँ पे ओएस मॉड्यूल का यूज़ करके हमारी ये जो पाथ है डेटा मूवी डिटेल्स और उस फाइल का नाम अगर एग्जिस्ट होता है तो वो क्या करेगा, उस फाइल को ओपन करेगा यहाँ पे और उस फाइल को रीड करेगा और रिटर्न में जिस वेरिएबल में वो रिटर्न रीड कर रहा है उस वेरिएबल को रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर वो टेक्स्ट में नन ही रहा, ठीक है, टेक्स्ट की वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हुई, मतलब यहाँ पे गया ही नहीं, अगर ये पाथ एग्जिस्ट नहीं होगी तो डायरेक्टली वो इस कोड में आएगा, ठीक है। इस कोड में आके वो फाइल लास्ट में उसकी आईडी के हिसाब से वो एक जेसन फाइल बनाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस कोड को रन करके देखते हैं कि क्या वो कहाँ से मतलब जैसे हमारे अभी आनंद के लिए हमने एक जेसन फाइल बना ली है, यानी वो एग्जिस्ट जो है पाथ एग्जिस्ट है, ठीक है, मतलब हमारी पाथ ये बन चुकी है फाइल नेम के हिसाब से, यानी उसने यहाँ से वो डेटा निकालना है ना कि रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, हमें समझने के लिए मैं यहाँ पे एक प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करूँगा कुछ भी, जैसे हेलो प्रिंट करता हूँ। तो जैसे अगर कोड यहाँ से जा रहा है तो प्रिंट हेलो होगा, ठीक है। अगर कोड यहाँ से हमें आउटपुट मिल रहा है तो प्रिंट होगा सॉरी, ठीक है। तो अगर प्रिंट सॉरी होकर हमें आउटपुट मिल रहा है तो मतलब हमारा कोड गलत है, अगर प्रिंट हेलो होकर हमारा आउटपुट मिल रहा है यानी हमारा कोड सही है, क्योंकि इसके आगे यहाँ पे रिटर्न होता है तो रिटर्न के आगे जितना भी कोड होता है नीचे वाला वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता, यानी यहीं पे रुक जाएगा और यहाँ से हमें जो जेसन फाइल है उसमें से हमें डेटा मिलेगा। सो देखते हमें कहाँ से डेटा मिल रहा है। जैसे अब मैंने इसे रन किया है तो जैसे ही रन किया अब वो चेक कर रहा है कि वो एग्जिस्ट है कि नहीं, यानी देखो हेलो में से
आ रहा है, हेलो प्रिंट हुआ, यानी हमारा जो डेटा है वो जेसन से निकाल के हमें दे रहा है, ना कि यहाँ से कहाँ से जो फाइल बना, जेसन की फाइल बना रहा है या फिर रिक्वेस्ट भेज के जो डेटा निकाल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, आनंद के लिए हमने चेक किया, तो हम लोग एक काम करते हैं, इंडेक्स चेंज करके देख लेते हैं कि दूसरे मूवी के लिए कहाँ से डेटा आ रहा है, क्योंकि उसकी फाइल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं है किसी दूसरे मूवी की, तो उसने रिक्वेस्ट भेज कर हमें आउटपुट देना चाहिए। जैसे अगर मैं 1 डाल देता हूँ, ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे 1 डालता हूँ, तो हमारे जो सेकेंड मूवी है उसका URL जाएगा और उसके URL के बेसिस पे हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सॉरी प्रिंट होना चाहिए, अगर सॉरी हो रहा है इसका मतलब हम सही है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी प्रिंट हुआ है, अब आगे वो रिटर्न कर रहा है डिक्शनरी को, यानी हमारा हमारा आउटपुट सही है। अगर मैं इस कोड को फिर से रन करूँगा तो हेलो होना चाहिए, क्योंकि इस नाम जो इस जो इस सेकेंड मूवी के लिए जो आईडी थी उस आईडी के हिसाब से यहाँ पे जेसन बन चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दूसरी जेसन फाइल भी आ गई है, ठीक है, ये वाली 7422, ठीक है, जिसमें वो दृश्यम मूवी की डिटेल्स है। यहाँ पे अगर आप उसे ओपन करोगे तो नेम दृश्यम, डायरेक्टर जीतू जोसेफ। तो अब हम मैं जब इस कोड को फिर से रन करूँगा तो हेलो प्रिंट होकर मुझे आउटपुट मिलना चाहिए, जिससे हमें ये पता लगा कि वो जो डेटा आ रहा है वो कैच मेमोरी से आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं इसे रन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ, तो अभी ये रन हो रहा है कोड। अब हमारा आउटपुट जो है हेलो प्रिंट होके आना चाहिए, तो हेलो प्रिंट होके ये आउटपुट आ रहा है, यानी हमारा जो है हमने जो सक्सेसफुली ये टास्क कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।